मिला है अनंत सिंह जी को जी, उससे थोड़ा गरीबों में डर का माहौल पैदा हुआ है कि फिर जो है ये लोग बाहर निकाल जो रहे हैं, इस थोड़ा सा गरीबों में भय पैदा हुआ है जी। कि आखिर ऐसा क्यों। नाम रंजीत कुमार पुष्पम हुआ जी, और हम शेखपुरा से आए हैं और अनीता जी को मदद करने के लिए आए हैं। सर आप शेखपुरा से चल के आए हैं, क्या लग रहा है इस बार मुंगेर में कैसी लड़ाई चलेगी? सब कह रहा बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, कोई कह रहा अमीरी गरीबी की लड़ाई है, कोई कह रहा मनोवादी और समाजवादी की लड़ाई है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें लड़ाई जो था, हमको लगता है कि जो पेरोल वरोल मिला है अनंत सिंह जी को जी, उससे थोड़ा गरीबों में डर का माहौल पैदा हुआ है कि फिर जो है ये लोग बाहर निकाल जो रहे हैं, इस थोड़ा सा गरीबों में भय पैदा हुआ है जी। कि आखिर ऐसा क्यों। एक तरफ अशोक महतो को कहते हैं कि क्रिमिनल है, और उनको कहते हैं बाहुबली है जी। आखिर क्यों? सर अभी जैसे आप आनंद सिंह का नाम लिए, आनंद सिंह पर से एक बयान में बोले थे कि नहीं जानते हम अशोक महतो को, कौन है अशोक महतो, क्या कहना चाहते हैं इस पर? अब उनका बोलना, वो तो होता है राजनीति में कि विरोधी का नाम नहीं लिया जाता है जी, तो इसीलिए नहीं बोले होंगे, काहले बोले, लेकिन वो तो जान ही रहे हैं। और जब से वो निकले हैं जी, हमको लगता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जी, चाहे कोई जाति के लोग हों, यहाँ तक कि भूमिहार समाज के भी लोग जो कि उनसे प्रताड़ित हैं जी, या और सब जो हैं, तो वो लोग एकजुट हो रहे हैं। सर आप मुंगेर में देख रहे होंगे कि हर एक जगह दिग्गज दिग्गज स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं। क्या लग रहा है मुंगेर की जनता इस बार ललन सिंह के साथ या फिर कुमारी अनीता के साथ? आप घूम के देख रहे होंगे, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी जो बोलता है वो करता है जी, इसीलिए जनता जो है इस पर विश्वास कर रहा है जी। और एक तरफ जो मोदी जी हैं, और मोदी जी जो हैं तो केवल बोलते ही हैं, करना तो है नहीं, इसलिए जनता इधर विश्वास कर रहा है। मोदी जी के चलते तेजस्वी जी को फायदा हो रहा है जी। नीतीश कुमार देख रहे होंगे, आप एक चीज़ बता दें, नीतीश कुमार यहाँ आए थे तो एक बात बोल रहे थे और उनका कहना था कि इस बार जितने भी हमारे कास्ट के हैं सब हमारे साथ है, कोयरी महतो कुर्मी जितना भी हमारे साथ है। आप घूम रहे हैं गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, क्या लग रहा है इस बार कोयरी कुर्मी महतो उनके साथ है या फिर आपके साथ है? हमको तो लगता है 2-4% जो लोग उनके साथ होंगे। हाँ 2-4% लोग, अब जो कोई मुखिया हैं, कोई पंचायत समिति हैं जी, तो लोग डर से थोड़ा घूर रहे हैं। हम लोग उनके पास भी जा रहे हैं हाँ। तो कहते हैं कि क्या कीजिएगा, हमको घूरने दीजिए, अरे बहुत सन काम है आपको, लेकिन हमको तो उधरे रहना में फायदा है। सो नहीं, हम कहेंगे तो हम पर कार्रवाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, लेकिन वोटर तो उन लोग का बात मानेगा नहीं। अब वोटर कह रहा है मुखिया लोग को कि यदि उधर वोट कीजिएगा तो अभी पंचायत चुनाव में बताएंगे जी, तो वो तो बेचारे दो अथी में फंसे हुए हैं, मुखिया लोग करें क्या। अब उधर बोलते हैं तो कार्रवाई होती है जी जी, इसलिए वो लोग मौन धारण किए हुए हैं या डर से साथ घूम रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि उधर से उनको धमकी और डरावनी चेतावनी मिल रही है कि अगर आप इधर से उधर जाते हैं तो आपको पंचायत चुनाव में देख लेंगे, पंचायत चुनाव में अभी अगर आप पलटते हैं तो उस समय आपको सजा भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अभी सत्ता है, सत्ता के डर से वो सटे हुए हैं हाँ। लेकिन जनता को तो सत्ता से डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ललन सिंह अपने हुकूमत से, अपने डर से यहाँ राज कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत है कि आपको हाँ। क्या लग रहा है? आप भी तो बताइएगा, आप यहाँ के नागरिक नहीं, 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 आप भी तो घूम रहे हैं हाँ। आप भी तो देख रहे हैं, आपका न्यूज पूरा चल रहा है हाँ। तो आप भी तो देख ही रहे हैं जी कि पब्लिक जो है जी किधर है। जब पब्लिक मुखिया के साथ 200-400 पब्लिक क्यों न घूम रहा है जी, और जहाँ जहाँ नेताजी जा रहे हैं सारा गांव, महिला पुरुष जी सब निकल कर इनका
स्वागत और अभिनंदन कर रहा है आखिर, क्यों? इसीलिए तो कर रहा है। तो क्या लग रहा है सर कि इस बार मुंगेर में खास करके लगातार यहाँ से सांसद ललन सिंह रहा है, क्या लग रहा है इस बार अनीता कुमारी अनीता यहाँ इतिहास रचेगी, कुछ अलग माहौल बनाएगी? कम से कम 3 लाख वोट से जीतेगी। कम से कम 3 लाख कम से कम 3 लाख वोट से जीतेगी। कम से कम 3 लाख वोट से जीतेगी।